लॉकडाउन के दूसरे चरण में भी सोमवार को महानगर की सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। शहर में बेवजह घूमने वालों लोगों को 1 मीटर की दूरी के घेरे में बैठाया गया और शहर में जो भी व्यक्ति आ और जा रहे थे पुलिस द्वारा उनका पास चेक करने के बाद ही उन्हें जाने दिया गया। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि लॉकडाउन में सरकारी कुछ दफ्तरों को छूट दी गई है। सीमित समय के लिए सभी लोग अपने घरों में रहें तथा घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, ये कहाँ रुक रहे हैं? अब डंडा बजाएं तब रुका। लॉकडाउन को लेके सभी लोगों को जागृत किया जा रहा है, जो अननेसेसरी रूप से बाहर निकल रहे हैं उन्हें समझाया जा रहा है। एग्जेम्पशन बहुत ही लिमिटेड कैटेगरी के लोगों को मिली है, जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं उनमें भी सिर्फ आधे लोग ही जा सकते हैं, वो भी एक सीमित समय के अंदर जा सकते हैं। तो लोग इस एग्जेम्पशन का गलत फ़ायदा ना उठाएँ, इसलिए सभी को जागरूक किया जा रहा है और फोर्स को और ज़्यादा मोबिलाइज किया जा रहा है। सर, कुछ लोगों को बैठा जाए जो फालतू घूम रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, जो भी कहीं इधर फालतू घूम रहे हैं वो अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य को अपनी हानि के रास्ते में डाल रहे हैं, तो इस चीज़ से बचें सभी और सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें।